शिव परिवाराय नमः, ओम शिव परिवाराय नमः, ओम शिव परिवाराय नमः। संसार के हर कोने से बिन बुलाए तेरे कौन है आता, सबके दुखों को हरने वाली माता, नदी वो ये खाकी वर्दी, ये प्रतीक है रक्षा की, इस देश के कानून पर विश्वास की। ये काला कोट, ये भी प्रतीक है उसी विश्वास का, उसी रक्षा का। ये दोनों कानून के दो हाथ हैं। खाकी वर्दी अपराधी को पकड़ती है, काला कोट अपराधी को सजा दिलवाता है, मगर अपराध कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि अक्सर न्याय के नाम पर यह काला कोट झूठे सच्चे सबूत और गवाहों की मदद से कानूनी नुक्तों के दाव पेच खेलकर अपराधी को बचा लेता है और अपराधी को फिर से अपराध करने की शय मिल जाती है। काले कोट की इस शय से पनप कर अपराध का छोटा सा पौधा एक दिन बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। ऐसा कब तक होगा? कब तक कानून ताकतवर होते हुए भी लाचार और बेबस बना रहेगा? अपराध तभी रुक सकता है जब कानून के ये दोनों हाथ अपना कर्तव्य सच्चाई से करें। अपराध तभी रुक सकता है जब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें। अपराध तभी रुक सकता है जब ये काला कोट बन जाए खाकी वर्दी की ढाल। मेजर सिंह और बहादुर लकब तोड़ के भाग गए।
मेजर सिंह और बहादुर कहाँ हैं? मीनार मंजिल। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं तीन तक गिनती गिनूंगा। एक। ऊपर भेजने से कोई फायदा नहीं, जितना भेजना है उतना भेज। दरवाजा एक है, जो पहले आएगा वही मारा जाएगा। पुलिस वालों पर गोली चलाई तुमने? वर्दी वालों को मारा? बोल, तुझे लॉकअप से बाहर किसने निकाला? बोल, किसके इशारे पे भागे तुम? बोल बोल। कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। वरुण, स्टॉप इट, स्टॉप इट वरुण, मर जाएगा ये, तुम्हारा डालेगा इसे। बता दो। नहीं, बता नहीं। बोल, बोल। सर, इन दोनों की जमानत लेकर वकील साहब आए। जमानत हो गई इतनी जल्दी? Who the hell got it done? इस शहर में एक ही तो वकील है जो सोते हुए जज का भी अंगूठा खींचकर पेपर पर साइन करवा सकता है। इंस्पेक्टर वरुण सक्सेना, मेरे दो क्लाइंट्स तुम्हारी हिरासत में हैं। ये उनकी जमानत के कागजात हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लोग कातिल हैं और मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस अपना काम करती है, अदालत अपना। ये ऑर्डर्स अदालत से आए हैं, साइन बाय जज। मैं इन ऑर्डर्स को नहीं मानता। I'll get these bloody orders cancelled. I'll get them cancelled. मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। फोन उठाओ और सच्चाई अपने कानों से सुन लो। Damn you! Hello. Papers मिल गए? Yes sir. तो फिर? Yes sir, मिल गए हैं, लेकिन। लेकिन क्या? सर, मुझे रिमांड चाहिए। मैं उस पूरे गैंग को पकड़ना चाहता हूँ। अदालत का हुक्म मानना हमारा फर्ज है वरुण। सर, ये कैसा फर्ज है जो हमें अपना फर्ज नहीं पूरा करने देता? तुम दीवान को जानते हो ना? जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ उसे। कानून क्या इन काले कोट वाले की जायदाद है? क्या हम कानून के हाथ नहीं है? I strongly protest, sir. Just do as I ask you to do. Yes, sir. नहीं वरुण, वरुण, ये समझता क्या अपने आप को? मैं सिर्फ समझता ही नहीं, जानता भी हूं अपने आप को। आ,
पायलट बाबा, जिंदा आदमी को दफनाना पाप होता है, ये ठीक नहीं। चलो अब इसे दफना दो। इसे भी दफना दो। हमारे टेक ऑफ में रुकावट पैदा करने वालों का यही हशर होता है, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। साहब मैंने उसे बहुत समझाया उसे साहब, बहुत बोला कि तू अपनी जबान मत खोलना नहीं तो पायलट बाबा नाराज हो जाएगा, लेकिन साहब वो नहीं माना साहब। और तुम? मैं कुछ नहीं बोला साहब, मैं गद्दार नहीं हूं। देख उसने गद्दारी की, इसीलिए पायलट बाबा ने उसकी जिंदगी का इंजन स्विच ऑफ कर डाला। तू डर मत, तू तो अपना आदमी है ना, वफादार है, इसीलिए तू इनाम का भी हकदार है। और तेरा इनाम है मौत। मौत? लेकिन मेरी गलती क्या है? मैं तो आपका वफादार नौकर हूं। इसीलिए आसान मौत इसलिए कि तुमने हमारे साथ वफादारी की और पुलिस के सामने जुबान तक नहीं खोली, मगर मौत इसलिए कि तुम पुलिस के हाथों पकड़े गए। जाने दो। हेलो, लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस? वो लाइसेंस मेरी। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। गाड़ी के पेपर तो होंगे, दिखाइए। देखिए मिस्टर, आप खामखा मुझे तंग कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं चोरी की गाड़ी में घूमती हूँ? टैक्स वक्त पे ना भरना चोरी ही कहलाता है। आपने साल का टैक्स नहीं भरा। ये कैसे हो सकता है? लाइसेंस आपके पास है नहीं, टैक्स आपने भरा नहीं है। देखिए परसों ही तो डेट एक्सपायर हुई है और कल संडे था। और परसों आप बिजी थी क्योंकि आपने किसी को डेट दे रखी थी, यही ना? इंस्पेक्टर मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अच्छा, कमाल है, मुझे तो आप ऊपर से नीचे तक हर एंगल से कुंवारी नजर आती है। व्हाट, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? ओह या, सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। निकालिए 370 रुपए। इतने पैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है तो घर जाइए, पैसे लाइए, पुलिस स्टेशन आइए और अपनी गाड़ी ले जाइए। प्लीज मेरी बात सुनिए तो। लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ? टैक्सी? नहीं, ऑटो सस्ती है और वेरी कम्फर्टेबल। लेकिन ऑटो के लिए भी पैसे नहीं है। आई सी। आप बैठी देता हूँ पैसे। ये लीजिए 20 रुपए, बात होंगे। और आइंदा अपने पास कुछ पैसे रखा कीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने घरवाले की इज्जत के लिए। चल ले जा। पता नहीं इंस्पेक्टर अपने आप को क्या समझता है, इज्जत तो मैं उतारूंगी तुम्हारी। न जाने आजकल के इंस्पेक्टर अपने आप को क्या समझने लगे हैं, जैसे सारी दुनिया में इन्हीं का राज चल रहा हो। ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मम्मी आप इसकी बात कर रहे हैं, डैडी आएंगे ना तो मेरे डैडी सब ठीक कर देंगे। अरे वो क्या ठीक करेंगे, ठीक तो मैं करूंगी। चल तू अपना दूध पी। मम्मी बहुत गर्म है। क्या कहा? नहीं मम्मी, दूध गर्म है। पापा आ गए। दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम? हाँ। ए कहाँ घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम?
बेगम साहिबा, मैं इस घर का मालिक हूँ और आपका पति हूँ। पति? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस? ओ, लाइसेंस, लाइसेंस देखना चाहती हो? अंदर आके दिखाता हूँ ना। खबरदार, जो मेरी इजाजत के बिना घर के अंदर कदम रखा तो मैं इजाजत ले लेता हूँ। मुझे अंदर ले लीजिए ना। मुझे अंदर ले लीजिए ना, क्या समझ रखा है? मुझे डेट ली थी मुझसे? डेट? नहीं नहीं, डेट तो नहीं ली थी। कमान यार, कमान यार, तुम मेरी बीवी हो। शट अप। आप और शादीशुदा? लेकिन आप तो ऊपर से नीचे तक कुंवारे लगते हो। मैं कहां कुंवारा लगता हूं? प्लीज मुझे अंदर आने दो। अरे मान भी जाओ, दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं खोलूंगी। देखो सोच लो, वरना मैं हल्ला कर दूंगा, शोर मचा दूंगा, पूरी बिल्डिंग को नीचे बुला लूंगा। सोच लिया? तुमने सोच लिया? जितना शोर मचाना है मचाओ, आज दरवाजा नहीं खुलेगा। ओफो मम्मी, डैडी के रात भर बारिश होएंगे। चुप। ओके। अरे ओ कांता मौसी, ओ कांता मौसी, ओ शर्मा जी, ओ वर्मा जी, अरे नीचे आओ, नीचे आओ, मेरी बीवी को कुछ हो गया है, वो पागल हो गई है, मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रही। अरे नीचे आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, अरे कुछ करो। चुप रहो। खोलो बिना? नहीं खोलती। अरे अरे कुछ करो, अरे जल्दी आओ, डॉक्टर को बुलाओ। अरे मेरी बीवी पागल हो गई है। खोलती हूँ बाबा। थैंक यू। अरे अरे सुनो, अरे तुम थोड़ा सा मजाक नहीं सह सकती? रियली यू हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं, यू हैव टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो तुमने मेरा कितना उल्लू बनाया। एक बात बताऊं, तुम अभी तक सर से पैर तक कुंवारी लगती हो। सच कहूं? तुम भी कुंवारी लगते हो। रियली? तुम लोगों को कुछ काम धंधा है कि नहीं? दूसरे के घर में जाके देखते हो? जाओ अपने घर में जाओ और देखो उधर क्या हो रहा है। Oh, I'm up to my head with these guys. कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई छत के ऊपर है तो कोई नीचे है। Now what are they up to and what am I supposed to do? लड़कों की आदत है बुरी, लड़कों की आदत है बुरी, जब भी कोई लड़की देखे तबीयत होवे हरी। हाय हाय हाय, गलती से वो मुस्कुराए, मुस्कुरा कर नैन चुराए, नैन चुरा कर वो शर्माए, समझो वो मरी। लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे, लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे। दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना। लड़कों की आदत है बुरी, लड़कों की आदत है बुरी, जब भी कोई लड़की देखे तबीयत होवे हरी। हाय हाय हाय, गलती से वो मुस्कुराए, मुस्कुरा कर नैन चुराए, नैन चुरा कर वो शर्माए, समझो वो मरी। लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे, लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे। दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना। Now what are we to do?
अरे ऊपर वाला लड़की बनाया, नीचे वाला मर गया, उनकी आंखों का नशा हम लड़कों पर चढ़ गया। लवली आईज, लवली स्माइल, लवली लुक्स, लवली स्टाइल। अरे यार अपू तो लड़की के पीछे पीछे पड़ेगा, मरना है कोई बात नहीं मरेगा। लड़कों की आदत है बुरी, लड़कों की आदत है बुरी, जब भी कोई लड़की देखे तबीयत होवे हरी, हाय 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 गलती से वो मुस्कुराए, मुस्कुराकर नैन चुराए, नैन चुराकर वो शर्माए, समझो वो मरी। लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे, लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे। दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना। You want? हमारे होटल का खाना बहुत मशहूर, बहुत अच्छा, बड़ा लजीज। आप इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ अंदर का खा रहे हैं, बाहर का बाहर रख रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा बाहर का खाना खाना नहीं, इसलिए मैं अंदर का खाना खा रहा हूँ। यहाँ लड़कियाँ कहाँ मिलती है? बाहर, बाहर, बाहर। लेकिन डॉक्टर ने बाहर की लड़कियों के लिए मना नहीं किया था। इंटेलिजेंट। हम आपके पास शिकायत करने आए हैं। शिकायत? वो आपका सैमसन है ना? सैमसन? कौन सैमसन? अच्छा अच्छा अच्छा, अपना सूरज। हाँ हाँ, वही वही, बहुत बड़ा लोफर है, लोफर। लड़कियों पे रिमार्क्स कसता है, सीटियां बजाता है, हमारा तो कॉलेज में आना जाना मुश्किल कर दिया है उसने। अच्छा, तो आप कॉलेज में पढ़ती हैं? जी हाँ। नाइस ड्रेस। थैंक यू। और स्कर्ट अगर जरा थोड़ा और ऊपर होता तो ज्यादा स्मार्ट नहीं लगता? जी हाँ, मुझे तो यहाँ तक चाहिए था। और कट देखा आपने? कट? कौन सा कट? ओह। अगर 2 इंच और नीचे होता तो आप बैठे बैठे सब कुछ देख लेते। राइट। ऐसे बेहुदा कपड़े पहनोगी तो लड़के देखकर सीटियां नहीं बजाएंगे तो क्या मंदिर में जाकर घंटियां बजाएंगे? राइट। जी? जी हाँ, आप कंप्लेन करने से पहले अपना हुलिया तो बदल लीजिए। जाइए उठिए आप दोनों। पर आप हमारी प्लीज, प्लीज, ये ठीक कह रही हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से और इनकी बात पर जरा गौर कीजिए। अरे कमाल कर दिया तुमने, मैं तो ये केस हैंडल नहीं कर सकता था। मगर ये सूरज का ऐसे चलता रहा ना तो जरूर कोई तकलीफ में आ जाएगा। शादी करवा दीजिए उसकी। शादी? गुड आइडिया। तुम ही उसके लिए कोई लड़की ढूंढो ना, अपनी जैसी गोल मटोल खूबसूरत ब्यूटीफुल। वो पतला। हाँ राम खिलावन भैया, देखा था सामने। उजो उजो। यहाँ सूरज कौन है? मैं हूँ, बोलिए।
बोलिए बोलिए। मेरी गाड़ी धक्के खा रही है। अच्छा अच्छा, आइए मैं देख लेता हूँ। आ क्या इंजन है। आइए आइए, बताइए बताइए काम क्या है। अच्छा तो आप क्या बता रहे। अच्छा वो देखिए, मियाँ स्पार्क प्लग निकले हुए हैं। हाँ। देखिए इसे यहाँ, नहीं नहीं नहीं, आप ही को सिखा देता हूँ। इसे यहाँ लगा दीजिए। आइए आइए पास आइए, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ सही है, इसे यहाँ लगा दीजिए। धक्का बंद एकदम। ये गाड़ी है ना, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम देती है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये चक्कर हमको रोकना पड़ेगा। क्वेश्चन आइसन सुदर्शन चक्कर चलाएंगे कि इनकी नानी याद आ जाएगी। आओ। अंजलि दीदी, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। दीदी आपकी जिंदगी खतरे में है। अंजलि दीदी यहाँ आके देखो, गैरेज में सूरज भैया क्या गुल 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 खिला रहे हैं। हाँ, आपका किसान कन्हैया यहाँ गोपी लोगों के साथ में रास नचा रहा है जी। वो लड़कियों के साथ काफी नाचो काट दिया। सब छोड़ दिल न मेरा तोड़, सब छोड़ दिल न मेरा तोड़। मौसम है जवान चल तू कहाँ, मर जाएंगे जाने जाना तू ना हमसे मोर। सब छोड़ दिल न मेरा तोड़, मौसम है जवान चल तू कहाँ, मर जाएंगे जाने जाना तू ना हमसे मोर। सब छोड़ दिल न मेरा तोड़। कर ले मीठी मीठी कब तक मुझसे रहेगी रूठी, झूठ मोट का तो रूठी है, सच कहता हूँ तू झूठी है। देख समा है बड़ा नशीला, उस पर तेरा खींच है ढीला, मान लिया तू बड़ी हसी है, प्यार में गुस्सा ठीक नहीं है। पाँव बड़े नाजुक है तेरे, ना इतना तू दौड़। सब छोड़ दिल न मेरा तोड़।
चाल है तेरी, उम्र है 16, लड़की है या आग का गोला, बाहरी काली जुल्फों वाली, नाक पे गुस्सा होठ पे गाली, तेरे टमाटर जैसे गाल है, गाल ये कितने लाल लाल है, कर लिया तूने नखरा काफी, सिद्ध ला कर अब दे दे माफी, और मान भी जाओ दिलबर मेरे हाथ दिए अब जोड़, सब सा छोड़ दिल न मेरा तोड़, अबे जाना छुट्टा नहीं है। ए मिस्टर, जाना छुट्टा नहीं है। ए मिस्टर, अबे ये गाड़ी इस तरह चलाई जाती है? हाँ, चल बाहर आओ, बाहर आओ। तुम नहीं, तुम वहीं बैठो। शर्म नहीं आती तुझे? कल कोई और, आज कोई और, इस किस्म की आवारगर्दी तेरे लिए एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। अबे ये वो भारी वाली नहीं है, परमानेंट है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्या मतलब? ओह, गुड चॉइस यार, भाभी को बताया? अब तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, 1000 रुपया है क्या? 1000 रुपये? 100-200 रुपये होंगे। अबे वर्दी में भी कड़की क्या? ये ले, और आइंदा गाड़ी ठीक चलाना, नहीं तो तुम दोनों को अरेस्ट कर लूंगा। अच्छा साहब, कमाल है, तुमने पैसे लिए और वो भी इंस्पेक्टर से। स्टाइल है, स्टाइल। डैडी पहचानो मैं कौन हूँ? टोडू बेटा तू कौन है? इडियट। डैडी, हे कांग्रेचुलेशन। क्यों, क्या हुआ? मेरी भविष्यवाणी कल आकाशवाणी में बदलने वाली है, कहती है आप दादा बनने वाले हैं। अबे बेवकूफ, मालूम है दादा क्या होता है? हाँ, बाप का बाप। तो मुझे दादा बनने से पहले तुझे बाप बनना पड़ेगा। हाँ? और उसके लिए पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं हिसाब में इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ। हाँ? किससे? लड़की से। कौन है वो? कोमल। कोमल अंदर आ जा। कोमो, कम इन। कोमो, डैडी ये आपकी बहू है। किसकी बहू? आपकी, मेरी बीवी। शर्माती है। कोमो पाव छू, चल। अभी आता। इसके खानदान का कुछ पता है क्या? डैडी आप ही कमाल करते हैं, तवाय आपका कोई खानदान होता है क्या? डोडू मारती क्यों? रात को मुझरा करेगी ना? यू गेट आउट। जाता हूँ, जाता हूँ, चल भाग यहाँ से, भाग। ये मेरे अंकल है, ये आपकी बहू, नमस्कार कर। डोडू यू गेट आउट, कोटा छोड़ के आता हूँ, रात को आता हूँ मुझरा देखने। बाबा हेड ऑफिस से खबर आई है, माल कल सुबह अनलोड होगा। ठीक है, तुम खुद वहां जाना। ठीक है बाबा। और सब काम होशियारी से करना। ठीक है बाबा। जाओ।
तुम सब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुम अकेले हम सबको गिरफ्तार करोगे? यस। तूने क्या किया देवधर? मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वरुण, वरुण, मैं तो वैसे भी एक खोखला जीवन जी रहा था, सिर्फ सांस ही ले रहा था। जीवन का कोई मकसद नहीं था मेरे पास, कोई मकसद नहीं था। ये तू क्या कह रहा है देवधर? ये तू क्या कह रहा है दोस्त? ठीक ही तो कह रहा हूं वरुण। वरुण तेरी पत्नी? कुछ नहीं होगा भाभी को, कुछ नहीं होगा। मैं ख्याल रखूंगा उसका, तू फिक्र मत कर। नहीं नहीं वरुण, नहीं। मेरी पत्नी बेवा नहीं होगी भाभी, बेवा नहीं होगी। देवदर, देवदर तुझे कुछ नहीं होगा। देवदर, 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 की मौत नहीं एक शहादत है। वो अपने फर्ज के लिए कुर्बान हुआ है। मेरी जान बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। तुम अपने आप को बेसहारा मत समझना बहन। जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आई तो तुम्हारा ये भाई जिंदा है। सर, तोमर, तुम दोनों जीप में जाओ। जीप में? हाँ, कहाँ ना, जीप में जाओ। ओके सर, आओ। सुनो। जी सर। कुछ भी हो जाए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा सर। और तुमने ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है, समझ गए? जी सर। से लगे एक्सरे। बाहर दो इंस्पेक्टर और चार हवलदार वायरलेस की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो समझ गए ना? द
देख लिए अपने भाई रंजीत की हड्डियों के एक्सरे? हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं वो तो गिन लिए होंगे। लेकिन हड्डियां क्यों टूटेगी? क्या रंजीत चाचा किसी मुजरी वाले के कोटे से गिर पड़े? चुप कर डोडो, ये तो शुरुआत है। आज रंजीत का नंबर आया था, कल तुम्हारा नंबर आएगा। मैं क्यों? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अगर हड्डी तोड़ना है तो मेरे डैडी की तोड़ना, असली विलन तो वही है। सॉरी डैडी। इनकी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके गले में तो फांसी का फंदा आएगा। फांसी का फंदा तो क्या, धागे का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा मेरे गले का फंदा बनाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी का टेक ऑफ हो जाएगा, धुएं की तरह उड़ जाओगे, धुएं की तरह, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। यही समझाने आया हूं तुम्हें, बहुत उड़ चुके हो तुम। अब तुम्हारी जिंदगी के प्लेन का क्रैश होने का वक्त आ गया है। इस हिंदुस्तान में वक्त उसका है ऑफिसर, जिसके पास दौलत है। जिंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ खरीदा जा सकता है। जानता हूं तुम पुलिस खरीद सकते हो कुछ हद तक। मालूम है यहां नेता बिकाऊ है, हुकूमत की मशीनरी बिकाऊ है कुछ हद तक। तुम कानून और इंसाफ तक को खरीद सकते हो कुछ हद तक, लेकिन याद रखना वो हद मुझ पर आकर खत्म हो जाती है। तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी नहीं खरीद सकते। आज की दुनिया में ईमानदारी वो खोटा सिक्का है जो बाजार में कहीं नहीं चलता। हिंदुस्तान में मिट्टी से लेकर इंसान तक हर चीज में मिलावट है, इसीलिए मैं हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पीता, इंपोर्टेड बियर पीता हूं, इंग्लिश। वाकई अंग्रेजी चीजें बहुत मजबूत होती हैं, मगर जब हिंदुस्तानी हाथों में आ जाती है ना तो चकनाचूर हो जाती हैं। सोच लो, जब ये हाथ तुम्हारी गर्दन दबोचेंगे तो इंपोर्टेड बेयर की तरह सारी सांसें उड़कर बाहर आ जाएंगी, खाली डब्बा रह जाओगे, खाली डब्बा। अरे ओ दीवान, पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। हट जा आगे से। दीवान ए, बाहर निकल जाओ। आउट। वो पुलिस वाला मर जाएगा मेरे हाथों, उसने मेरे गुस्से के गैस स्टेशन को माचिस दिखाई है। मेरे छोटे भाई को अरेस्ट करके उसे हवालात में पंपिंग कर करके उसका हड्डी पसली तोड़ दिया है। क्या कुर्सी पर बैठे बैठे धुआं छोड़ रहे हो? अरे तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कैंसर। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? मैं वकील हूं पायलट बाबा, बोलने की फीस लेता हूं, और वैसे भी आपके सामने ये कानूनी दाव पेच बोलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई जौहरिया अपने हीरों की कीमत किसी पंसारी से लगाए। कानून अगर मुझे आता तो मैं तुम्हें वकील नहीं रखता, लाखों रुपए तुम पर खर्च नहीं करता। चलो मेरे साथ फौरन, वरना मैं उसके पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर उसे रनवे बना दूंगा। बुलडोजर चलाकर पुलिस स्टेशन जमीन में दब सकता है, मगर कानून नहीं। अरे भाई तुम्हें रंजीत बाहर चाहिए ना? हाँ, आ जाएगा, जरा उसे अदालत में तो आने दो। साइलेंस, साइलेंस। दीवान, योर डिफेंस। योर ऑनर, मैं अदालत का वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये केस है ही नहीं, ये तो एक धोखा है जो पुलिस अदालत को दे रही।
इस तरह के हथकंडे पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। जब कभी असली मुजरिम इनके हाथों से निकल जाता है तो अदालत और जनता के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ये राह चलते हुए किसी इंसान को मुजरिम बनाकर अदालत के सामने पेश कर दे। मेरे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ। योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने अपनी आंखों से इस रंजीत को इंस्पेक्टर देवधर को ट्रक के नीचे बेरहमी से कुचलते हुए देखा था और मैंने इसे वहीं अरेस्ट किया था। ऐसा है वरुण, क्या आपने रंजीत को वो ट्रक चलाते हुए देखा था? यस। मौका वारदात पर आपने रंजीत को अरेस्ट किया? यस। क्या ये आदमी जो कटघरे में अभी खड़ा है, क्या यही रंजीत है? ऑफ कोर्स यही रंजीत है। योर ऑनर, ऐसा है वरुण, जिस आदमी को रंजीत रंजीत कहकर पुकार रहा है वो आदमी रंजीत है ही नहीं, इसका नाम है धनपत चावला। योर ऑनर, जिस दिन इंस्पेक्टर देवधर का कत्ल हुआ उसी दिन सुबह 7:30 बजे मेरे क्लाइंट धनपत चावला का कार एक्सीडेंट हुआ। 9:45 बजे इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। मौका वारदात पर जब इनके हाथ से कातिल निकल गया तो ये हॉस्पिटल गए, इनको बहुत मारा और अपने गिरफ्त में कर लिया। योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। सच है ये योर ऑनर, उन सब का सबूत मेरे पास है। आई वॉन्ट टू सी दैट। योर ऑनर, ये रहे धनपत चावला के क्रेडिट कार्ड्स, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट। अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि यह रंजीत नहीं है, यह धनपत चावला है और अदालत इसको बाइज्जत बरी करती है। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक क्यों नहीं लगती। आज तमाम पुलिस फोर्स को पता चल चुका होगा कि खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है, हमेशा। ये तो एक धोखा है जो पुलिस अदालत को दे रही है। इस तरह के हथकंडे पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। योर ऑनर, ऐसा है वरुण, जिस आदमी को रंजीत रंजीत कहकर पुकार रहा है वो आदमी रंजीत है ही नहीं, इसका नाम है धनपत चावला। धनपत चावला, धनपत चावला, धनपत चावला। के खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है। पापा प्लीज, पापा चलो ना, प्लीज पापा। बेटे, इसको तंग मत करो मुझे। पापा प्लीज, पापा। तुम जाओ अपने आप खेलो जाके। नहीं पापा प्लीज। तुम्हें कहा ना अपने आप जाके खेलो। क्या हुआ? बेटे नहीं रोते, नहीं रोते बेटे, नहीं। भाभी इसे अंदर ले जाओ। ये क्या हो गया तुम्हें? पहले जब राजू को जरा सी चोट पहुंची थी तो तुम उसे उठाकर अस्पताल ले गए थे, सारे स्टाफ को जमा कर दिया था और आज आज तुम्हें ने उसे चोट पहुंचा दी। असली मुजरिमों को पकड़ने की ताकत नहीं है तुम में, इसलिए अपनी कमजोरी का गुस्सा एक बच्चे पे निकालते हो। बड़ी बहादुरी दिखाई तुमने जो उसे धक्का दे दिया। बुजदिल हो तुम, बुजदिल। अगर इतना ही गुस्सा है तो पकड़ लो उनका गला, दो उनको सजा। अपनी हार का बदला अपने घर वालों से क्यों लेते हो? नाकामयाबी ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया वरुण। तो
तुम अब चिढ़ने और अपने आप को नोचने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते वरुण। शराब पीने से कुछ नहीं होता, शराब इंसान को नकारा बना देती है, नकारा। आओ मेरे साथ। देख, देख इसे। इसका नाम है मुख्तार सिंह। 32 आदमियों को मार चुका है ये। 2 साल तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगाई और मैंने इसे पकड़ा मुकाबले में। और तू, तू मुझे नकारा समझता है? देख इसे, देख। इसका नाम कश्मीरा है। 4 बच्चों को अगवा किया इसने। 4 छोटे-छोटे मासूम बच्चों को पैसे न मिलने पर गर्दन काट दी उनकी। 3 दिन तक पीछा किया मैंने इसका। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा मैं। गोराए में जाकर दबोचा इसे। और तू मुझे कमजोर कहता है? उसे देख, देख इस हरामजादे को। इसने एक वैश्या के लिए अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था। और देख, यह है शिवा। माहिम से दादर तक हवा भी रुक जाती है जब यह निकलता है। ये अपने आप को शिवजी की 3री आंख समझता है। कानून तोड़ने वालों के लिए मैं यमराज से कम नहीं हूं, लेकिन लेकिन मेरी झुंझराहट यह है कि मैं अपनी जान पर खेलकर इन मुजरिमों को पकड़कर लाता हूं और अदालत में काले कोट वाले इन्हें बेकसूर साबित करके छुड़ा लेते हैं। हमारा कानून इतना ताकतवर होके इतना नापुंसक क्यों है? क्यों नहीं फांसी लगाते मुख्तार सिंह को? क्यों कश्मीरा को सारे बाजार, सारी दुनिया के सामने गोली नहीं मार सकते हम? क्यों जिंदा नहीं जलाते हम इसे? क्यों कानून मान लेता है कि इसके बीवी बच्चे एक स्टोव के फट जाने से जल गए थे? क्यों जमानत पर छूट जाएगा ये शिवा, जो सारे इलाके के लिए एक दहशत बन गया है? कब यह कानूनी दाव पेच का जाल खत्म होगा? कब इस देश से जुल्म खत्म होगा? कभी सोचा है तुमने? सोचा तुमने? सोच लिया दोस्त, आज सोच लिया। अंजू, क्यों सता रही हो? पढ़ने दो ना। अरे अचानक ये किताबों की बीमारी तुम्हें कब से हो गई है? टेलीफोन पे तो मिलते नहीं, कॉलेज में जब मिलते हो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और लाइब्रेरी को तो आजकल तुमने अपना दूसरा घर बना लिया है। आखिर इरादा क्या है मिस्टर? ओ आई सी, ये सब डैडी को इम्प्रेस करने के लिए है ना? डैडी से मेरा हाथ मांगने के लिए तुम उनसे भी बड़ा वकील बनने का सपना देख रहे हो। सपना तो वो देखता है जिसे अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे तो मालूम है अंजू, एक न एक दिन मेरा और तुम्हारे डैडी का सामना जरूर होगा, और जिस दिन होगा ना, जीत मेरी होगी।
योर ऑनर ये है सबूत, ये 10 लाख रुपए और ये वो नशीली जहरीली दवाएं जो बरामद हुई। योर ऑनर, मुलजिम रंजीत अपने जुर्म से इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त ये खुद वहां मौजूद था। योर ऑनर, मुलजिम सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि मौत का व्यापारी है, ये कानून का ही नहीं बल्कि देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। दैट्स ऑल योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरे ख्याल से हम अपना और इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है योर ऑनर कि अभी अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर रंजीत के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है। उन्होंने कहा कि मिस्टर रंजीत एक ड्रग डीलर हैं, ये भी सच है। इन्होंने ये भी कहा कि उस गोदाम से जहां से मिस्टर रंजीत पकड़े गए वहां 10 लाख रुपए अनअकाउंटेड पैसे बरामद हुए, ये भी सच है योर ऑनर। अब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछना चाहूंगा कि वो शख्स जिसका नाम रंजीत है वो है कौन और इस वक्त अदालत में वो आदमी है कहां? वो जो कटघरे में खड़ा वही तो रंजीत है। दिस इज एग्जास्परेटिंग योर ऑनर। कुछ ही दिन पहले इसी अदालत में मैंने यह साबित कर दिया था पूरे सबूत के साथ कि इस शख्स का नाम रंजीत नहीं धनपत चावला है। धनपत चावला, योर ऑनर, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वरुण को मेरे क्लाइंट के साथ या तो जाती दुश्मनी है या इनको इनका नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत करना चाहते हैं। क्या इस भरी अदालत में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे यह बता दे कि इंस्पेक्टर वरुण मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत क्यों रखना चाहते हैं? जज साहब, सुने मेरी बात, सुने जज साहब, प्लीज जज साहब, आप इनसे कहिए कि अदालत के दरवाजे अंदर से बंद कर दे वरना एक बहुत ही बड़ा खूनी जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है फिर से भाग जाएगा। ये क्या बदतमीजी है, कौन है आप? मेरा नाम सूरज है जज साहब और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? इस खूनी की जज साहब, इस खूनी की, ये आसाम जेल से भागा हुआ खूनी है, इसने 20-20 खून किए हैं, इसके सर पर 10 लाख का इनाम है, वो आप मुझे दिलवा दीजिए सर। योर ऑनर, ये अदालत की तोहिन कर रहा है। कौन है वो खूनी? ये धनपत चावला। इसे फांसी की सजा हो चुकी है सर, पुलिस से कहिए इसे अरेस्ट कर ले। ये क्या बदतमीजी है योर ऑनर, इसके पास क्या सबूत है कि धनपत चावला एक खूनी है और जेल से भागा हुआ है? सबूत ये है मिलॉर्ड, अखबार में छपी हुई इसकी ये तस्वीर, ये भी है और ये भी है मिलॉर्ड। चाचा आप साथ दे तो सच और झूठ 2 मिनट में सामने आ जाएगा। मेहरबानी करके आप एक नजर फोटो को देखिए और दूसरी नजर कटघरे में खड़े आदमी को, 2 मिनट ऐसा कीजिए सर, प्लीज, थैंक यू। वाकई ये तस्वीरें? नहीं साहब, मैं धनपत चावला नहीं हूं साहब, मैं रंजीत हूं साहब, मैं रंजीत हूं साहब। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, अब चुप रहो साहब, इनके ये वकील के कहने पर ही मैं धनपत चावला बना हूं साहब। बंद करो अपनी जुबान, मत बोलो साहब। मेरा आप यकीन करिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूं साहब, मैं सच्ची में रंजीत हूं साहब, रंजीत। शट अप फॉर गॉड्स सेक, प्लीज कीप क्वाइट। रंजीत हूं साहब, मैं रंजीत हूं साहब, रंजीत। Arrest this man. बेवकूफ और अकलमंद इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है, बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे अपनी जुबान खोल देता है। Stupid idiot.
तू कब से इतना अकलमंद हो गया रे? क्या चाल चली तूने? ये तुम्हारी पहली जीत है ना? ऑल थैंक्स टू यू। हो जाए पार्टी? पार्टी? हाँ। ठीक है, मैं तुझे आज किसी फाइव स्टार होटल में ले जाकर एक कप चाय पिलाता हूँ। चाय? अरे यार आज के दिन तो थोड़ी सी थोड़ी सी। किसने बोला विस्की है रिस्की? अरे आम तो पिएगा पी पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, नाम क्यों बदनाम है? Get on track, no track. देखी जो कुछ लड़कियां, दिल की खुली खिड़कियां, इनमें मगर वो नहीं जो है मेरी जान जान। सोमरस का ले मजा, बन जा तू भी देवता, ऐश कर ले आज तू, कल की सोचता है क्या? विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है रिस्की? विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है रिस्की? अरे इसलिए तो विस्की को अपन का सलाम है। अरे आम तो पिएगा साला, पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। हाय चोरी नहीं की रे बाबा, डाका नहीं डाला, फिर क्यों आम बदनाम है? कब से था मैं बेसहारा, फिरता था मैं मारा मारा, मुझको मिला एक भाई, जीवन में भाभी आई। बन गई ये जिंदगी, छा गई है बेखुदी, फिक्र की ना बात है, सर पे उनका हाथ है। हम तो पिएगा साला, पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। आए चोरी नहीं की रे बाबा, डाका नहीं डाला, फिर क्यों हम बदनाम है? अरे जल्दी निकालो भाई, इसे आखिरी दमों पर है बेचारा। चलो चलो चलो, जरा संभाल के चलो चलो। अरे सुन भाई सुन, ये हालत हुई है इसकी, पी पी के रम और विस्की, लीवर भी हो गया इसकी। ये उसकी है ना इसकी, बड़ों बड़ों की जान है खिसकी। ओ पीने वाले सुन, तेरी जान की दुश्मन विस्की, अगर तू साथ ना इसका छोड़ेगा, यमराज से नाता जोड़ेगा, अपना भला बुरा पहचान। बेटा हम बड़ों की बात को मान, क्या ये विस्की बहुत है रिस्की? ये विस्की बहुत है रिस्की, बड़ों बड़ों की जान है खिसकी। कुछ समझ में आया लल्लू? ठीक बोला भाई, ठीक बोला, ठीक बोला भाई। बात समझने की कोशिश करो भाभी, कुछ महीने रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? गर्म है, गर्म है, बहुत गर्म है, बात बहुत गर्म है भाभी, लड़की का बाप मानेगा नहीं। तो तुम मत जाना, हम जाएंगे बात करने, अब मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मानेगा। भाभी वो एकदम गर्म खोपड़ी है। तो मेरा वो भी पुलिस वाला है, गर्म खोपड़ी ठंडी और ठंडी खोपड़ी गर्म करने में टाइम नहीं लगाता। तुम उसका नाम तो बताओ। भाभी वो सारे पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता है। सूरज तुम उसका नाम तो बताओ, कौन है वो तीस माह खां? बताऊं? उसका नाम है दीवान। विश्वराज दीवान।
मेरी इजाजत के बगैर एक मामूली सब इंस्पेक्टर को मेरा रिश्तेदार बनाकर मेरे घर में लाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं आपकी बहन हूं? नहीं, दीवान विश्वराज की बहन इतना घटिया नहीं सोच सकती। अगर उसके पांव फिसलेंगे तो सिर्फ संगमरमर की फर्श पर, कोई घटिया सब स्टैंडर्ड और गंदे रास्ते पर कभी नहीं। आपको मेरे पति का अपमान करने का कोई हक नहीं है। और तुमने मेरे खानदान, मेरे स्टेटस और मेरे पोजीशन का अपमान किया, उसका क्या? किसी की पोजीशन सदा एक सी नहीं रहती। हो सकता है आज का सब इंस्पेक्टर कल कमिश्नर बन जाए और आज का नामी वकील कल गुमनाम हो जाए। बदतमीज। मिस्टर दीवान, इस वक्त स्नेहा आपकी बहन नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी इज्जत है, और मुझे भी अपनी इज्जत उतनी प्यारी है जितनी आपको। तोड़ कर रख दूंगा वो हाथ जो मेरी इज्जत पर उठेगा। एक बात मेरी भी सुनती जाओ स्नेहा, आज के बाद मेरे घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखना।